जो प्लेयर लोग आईपीएल खेलते हैं उन लोगों को एकदम हटा के रखो, वो आईपीएल ही खेले, जिनको टेस्ट खेलना वो टेस्ट खेले। आईपीएल जब हुआ तब पूरा गर्मी का सीजन चल रहा है, फिर उधर में जाके एक वेदर चेंज है, प्लेयर लोग का रेस्ट नहीं मिला, ये तो होगा ही। कोई भी चीज़ करने के पहले ना कोई प्लानिंग होना चाहिए। हम लोग के पास सबसे बड़ा बात है इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण भी हम लोग कोई चैंपियंस ट्रॉफी, लास्ट ईयर भी हम लोग आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी नहीं पाए, इस साल भी हो रहा है हाथ से निकल जाएगा। उसका एक ही कारण है कि हम लोग जो आईपीएल खेलने के बाद डायरेक्ट चले जा रहे हैं टेस्ट खेलने, फर्स्ट सेकेंड टीम सेलेक्शन में गलती हो रहा है, किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं खिलाएं वो भी कोई ठीक नहीं है। तो लगभग हम लोग को जो प्लानिंग में ही कहीं ना कहीं भूल चल रहा है, जिसके कारण हम लोग का प्लेयर लोग परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। इंडिया का बॉलिंग अटैक बहुत ही बढ़िया है, बॉलिंग अच्छे किए सिराज मोहम्मद शमी, बहुत अच्छा बॉलिंग डाले, और रविंद्र जडेजा अच्छा ऑलराउंडर है, वो भी अच्छा बॉलिंग डाले, तो सभी अच्छा बॉलिंग किए, पर थोड़ा कंडीशंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन थोड़ा अच्छे रन बटोर लिए हैं। ऐसे कुछ जगह हैं जो इंडिया फाइनल या सेमीफाइनल में हार जा रहा है, मुझे लगता है कि कुछ मैनेजमेंट के कुछ तकलीफ़ों के वजह से इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल में हार जा रहा है किसी वजह से, तो ये एक बात हो सकता है। गेम चलेगा, कोई सब आउट होगा, आउट के ऊपर नेगेटिव बात उठाने से कोई होगा नहीं ना, क्रिकेट जो प्लेयर है वो नेगेटिव बात बोलेगा नहीं, आउट हो सकता है। शुभमन गिल भी खेला था, 3-4 बॉल खेला, वो वाला बॉल छोड़ दिया, उस एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना स्विंग होगा। सेम थिंग पूजा होगी, तो ओवरलोड ज़्यादा हो जाता है, 1-1.5 महीना का जो सेशन चला आईपीएल का, जिसके वजह से सबका ओवरलोड ज़्यादा हो जाता है। एज ए इंडियन तो इंडिया ख़राब परफॉर्म करे तो हम लोग को ख़राब लगेगा ही, लेकिन हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि रिसेंटली आईपीएल खेल के टीम टेस्ट खेलने गया है तो कुछ तो दिक्कत होगा, और फर्स्ट इनिंग्स ऑब्वियसली ख़राब हुआ है, लेकिन सेकेंड इनिंग्स इंडिया ओवरकम करेगा यही हम लोग सोच सकते हैं, और होपफुली इंडिया ये टेस्ट मैच जीते। Australia's fast bowlers are doing so well that the Indian players were not able to play their proper shots to the Australian fast bowlers. पहला इनिंग्स जो इंडिया का जो बैटिंग ठीक से नहीं हुआ, तो अभी मैचेस बाकी है, अभी कम बैक करने का बहुत टाइम है, 3 दिन अभी बाकी है, तो होप फॉर द बेस्ट।